अजीम साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका आप पहले तो शेयर्स का अपडेट बता दीजिए और बता दीजिए फिर ये यूएस का जो इन्फ्लेशनरी डाटा आया उससे कुछ खास असर तो नहीं पड़ा? इसका मतलब धीरे धीरे नेगेटिविटी डिस्काउंट होती जा रही है सर। हाँ गुड मॉर्निंग जी, अपडेट दे देता हूँ। कल आपको क्लोजिंग बेल में हिंदुस्तान एरोनॉटिक और इप्का लैब दिया था। 1725 वाला हिंदुस्तान एरोनॉटिक 1763 हो गया और इप्का लैब 1000 रुपए हो गया, जो टारगेट दिया था 965 पे, 3.5%। इसके अलावा MRF, कोटक, वोल्टास, मैकडॉवल, टाटा कंज्यूमर सारे टारगेट हिट हो गए। कौन सा जो भी हम आपको दे रहे हैं वो सारे के सारे टारगेट दो दो दिन में हो रहे हैं। और रोज शेयर आया मत करिए, क्योंकि 9.1% डिस्काउंटेड था। द यूएस डेटा इज बैक डेटेड, हमारा डेटा उनसे आगे चल रहा है जैसे हमारी बाकी चीजें चल रही हैं। तो दिस इज द मोमेंट टू बी प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन। वहां का प्रेसिडेंट कह रहा है द इन्फ्लेशन डेटा इज बैक डेटेड बिकॉज क्रूड हैज फॉलन, और वही मार्केट ने बताया। तो मंदी वालों के मुंह पे चपट, अब आप वेट करते रहिए 13,500-14,000, पहले 16,500 जाएगा। दूसरी बात, आपके बॉन्ड यील्ड ये बता रहे हैं कि बैक डेटेड डेटा एंड द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आर मच स्ट्रॉन्गर। द यूएस ऑन एन इकोनॉमी विल बी सी मे बी माइल्ड रिसेशन, बट गुड न्यूज फॉर इंडिया जहां पे आउट परफॉर्मेंस है। ये मोमेंट है टू बी प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन। आप देख रहे हैं श्रीलंका और बाकी देशों में क्या हो रहा है और हमारे यहाँ ग्रोथ टारगेट्स और अपडेट। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ इस दिवाली तक इंडिया विल बी द बिगेस्ट आउट परफॉर्मिंग मार्केट, नॉट बिकॉज आई एम अ बुल और अ पेट्रियट, बट द सर्कमस्टांसेस आर टेलिंग यू। अब आपके लिए दो बाय कॉल्स है, आप शुरू कहो तो मैं शुरू करूँ। बिल्कुल बिल्कुल बताइए सर। सबसे पहले लीजिए मैरिको, आपको मैंने 3-4 टाटा कंज्यूमर, जुबिलेंट फूड, मैकडॉवल सब में दिए, सब में आउट परफॉर्मेंस है। मैरिको इज द बिगेस्ट गेनर ऑफ फॉलिंग पाम ऑयल प्राइसेस और डाई और बाकी बिजनेसेस में इट इज डूइंग आउट परफॉर्मेंस। इस क्वार्टर में नंबर्स रिकॉर्ड आएंगे। 508 से 510 में लीजिए, 490 का स्टॉप लॉस, 550 का टारगेट। दूसरा लार्जेस्ट टायर रिटेलर इन द सीवी मार्केट बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, दे आर गोइंग टू सी रिकॉर्ड प्रॉफिट बिकॉज ऑफ फॉल ऑन जीबी एसबीटी रबर प्राइसेस। 2350 में लीजिए, 2250 का स्टॉप लॉस, 2425 का टारगेट।